वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कार और पिकअप वाहन की टक्कर, दो की मौत। टमाटर से लदा ट्रक पलटा। महावितरण की टीपी में लगी आग। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बोरगांव मंजू पुलिस थाना अंतर्गत अकोला में सांग मार्ग पर कटियार बस स्टैंड समीप मालवाहक पिकअप तथा कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। शनिवार की दोपहर में हुई दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालकों की मौत होने की जानकारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकोला से मैसांग की ओर सिलेंडर ले जा रहा पिकअप वाहन और दरियापुर से अकोला की ओर आ रही कार में टक्कर हुई, जिसमें दोनों वाहन चालक गाड़ियों में फंस गए। दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। इस दुर्घटना में कार चालक ज्ञानेश्वर खेलकर निवासी खामगा और पिकअप चालक अब्दुल जुबेर निवासी दहीहंडा की गंभीर जख्मी होने से मौत हो गई। दूसरी खबर, मंगरूलपील तहसील परिसर क्षेत्र में औरंगाबाद नागपुर हाईवे पर एक टमाटर का ट्रक पलट जाने की घटना घटी है। दुर्घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई है। तहसील के सेलू बाजार और मालेगांव के बीच दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और पिछले एक पखवाड़े में ट्रक और मोटरसाइकिल दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हुई है। शनिवार को दोपहर टमाटर से भरा एक ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक और टमाटर को नुकसान हुआ। कोई जनहानि नहीं हुई है। इस सप्ताह में टमाटर का ट्रक पलटने की यह दूसरी घटना है। तीसरी खबर, मंगरूलपीर तहसील के अंतर्गत सेलू बाजार में ग्राम पंचायत के महावितरण की डीपी को अचानक लगी आग से लोगों में खलबली मच गई। वहां उपस्थित बाबाराव पवार एवं ग्राम कर्मचारी रोशन गावंडे ने महावितरण को संपर्क कर बिजली की आपूर्ति बंद कर रेत एवं मिट्टी डालकर आग को काबू में किया। कोई जनहानि नहीं हुई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे।